देवरी कला के देवरी नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम कोपरा के एक निजी स्कूल में दोपहर के समय 3 शराबियों ने स्कूल के अंदर घुसकर विद्यार्थियों शिक्षकों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद विद्यालय के शिक्षक स्कूली छात्र छात्राएं सैकड़ों की संख्या पुलिस थाना देवरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस को शराबियों द्वारा स्कूल में घुसकर मारपीट एवं विद्यालय में दहशत का माहौल बनाए जाने की आपबीती सुनाई और लगातार बढ़ रहे शराबियों के आतंक को खत्म कर देने की मांग की है। सर की ये 3 लोग हैं जो सौरभ, हरप्रीत, अमित और अमित, सर ये 3 दिन से बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे शिक्षकों के साथ, दारू पी विद्यालय में तालो टूल के भीतर घुस जाते। मेरा नाम ललिता शुक्ला है। कौन से विद्यालय में पढ़ती हूँ? मैं भाग्यराय हायर सेकेंडरी स्कूल कोपरा में। क्या कैसी घटना हुई की आपको थाने आना पड़ा? वो क्या हुआ था कि वो 3-4 लोग थे और हमारे स्कूल में आए और हमारे रूम में घुस के हमारे क्लासमेट से थे, वो इसका लड़के का नाम अमन था, उसको आके वो लोग मारने लगे और हम लोगों के इधर हम लोग पेपर दे रहे थे तो हम लोगों से धक्का मुक्की की और पेपर काफी फटा के फेंक दी और डेस्क मतलब वहीं पे बिखरी पड़ी। ग्राम कोपरा में एक प्राइवेट स्कूल है भाग्योदय स्कूल के नाम से, वहाँ के दया शंकर प्रजापति टीचर है, उन्हें आके रिपोर्ट लेट करवाई है कि वहाँ पे अमित राजपूत, अर्पित राजपूत और सौरभ राजपूत माने गांव के रहने वाले शराब पीकर वहाँ विद्यालय प्रांगण में घूम रहे थे, जिन्हें वहाँ से जाने के लिए बोला टीचर के द्वारा और नहीं गए तो उन्होंने उनके पिता को कंप्लेंट कर दी, तो इसी बात को लेकर वो आज स्कूल में गए और स्कूल में घुसकर टीचर के साथ मारपीट की, जिसके खिलाफ हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। 3 के खिलाफ 284, 323, 536 और 452 के खिलाफ FIR लिख करके कार्रवाई की जाए। भागोदय हाई स्कूल के प्रचारक दयाशंकर प्रजापति ने बच्चों के साथ थाना देवरी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि माने गांव के रहने वाले अमित राजपूत, अर्पित राजपूत और सौरभ नाम के 3 युवक शराब पीकर स्कूल में दोपहर के समय स्कूल का गेट लगा हुआ देख गेट के ऊपर से चढ़कर स्कूल में घुसे और शिक्षक के सामने छात्र छात्राओं से अभद्रता एवं छात्र अमन तिवारी से मारपीट करने लगे, जिसका विरोध स्कूली छात्र छात्राओं ने किया, जिसके बाद शराब युवक भागे। तत्काल स्कूल के प्रचार में स्कूली छात्र छात्र सैकड़ों की संख्या पुलिस थाना देवरी पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी तो शरारती तत्व भागने में कामयाब हो गए। इस संबंध में देवरी TI रामेश्वर ठाकुर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ गैर जमानत धाराओं में मामला पंजीबृत कर लिया गया है, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए आशीष दुबे की रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।